हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शरारा सेट का रिव्यू एंड कुछ स्टफ ऐसे मैंने मंगवाए हैं जो आप डेली वेयर भी अपने आराम से वेयर कर सकते हैं। कुछ पार्टी वेयर कपड़े भी हैं तो उसका हॉनेस्ट रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि मीशो ऐप क्या है, इससे आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो लास्ट में मैंने एक क्लिप ऐड करी है, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है तरह से आप अपना खुद का मार्जिन ऐड करके अर्न कर सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा, और वो भी आप हर मंथली कर सकते हैं और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सारा कुछ मैंने आपको बताया है, उस क्लिप को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, मैंने लास्ट में उसको ऐड कर दिया। तो ये हैं वो सारे स्टफ जो कि मैंने ऑर्डर करे हैं। मोस्ट पॉपुलर में से सबसे टॉप पे रहता है, जैसे ही आप मीशो ओपन करोगे सबसे पहले टॉप पे आपको यही वाला ड्रेस नज़र आता है। तो मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना मंगवा के आप लोगों को शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए थे इस वाले सेट का रिव्यू करने के लिए, तो फाइनली मैंने इसको मंगवा लिया है। और ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, इसको काफ़ी मतलब फेमस अदाकारा जो है उनका नाम, इनका नाम मुझे नहीं पता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो इन्हीं ने ये ड्रेस वेयर किया है। तो इसमें जो है ना कासू जो नहीं होते हैं उसका वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगे हैं, नीचे की तरफ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसकी रेटिंग रिव्यू मैंने देखी थी सेम उसी की तरह मुझे ये रिसीव हुआ है, कोई फॉल्ट इसमें नहीं है, कहीं से कुछ भी खराबी नहीं है। अगर स्टिचिंग की बात करूँ तो वो भी काफ़ी नीटनेस के साथ की गई है, एंड इसका जो क्लोथिंग मटेरियल है वो बिल्कुल कॉटन ब्लेंडेड है, रेयन ब्लेंडेड है। थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक कासू लगा हुआ है एंड जो सीप बोलते हैं इसको, हम लोग तो सीप बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो उसका मुझे नहीं पता। तो ये जो कुर्ती की लेंथ थी तो वो थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा आई है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको खुद भी अल्ट्रेशन कराने के लिए दे दूँगी, वो ठीक हो जाएगी। स्लीव इसकी फिटिंग जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे से आई है, और इसका जो साइज़ मैंने मंगवाया था वो मंगवाया था एक्सेल, तो इसके साथ दुपट्टा अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं वेयर करते हो दुपट्टा तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे पास जो रखा था वही मैंने आपको इस पर अटैच करके दिखाया। वैसे आप इसमें दो शेडेड वाला दुपट्टा मतलब ड्राई करा के कलर करा के यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये पार्टी वेयर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कलर डिज़ाइन वो भी आप देख सकते हो, पीछे की तरफ बिल्कुल प्लेन है, मतलब आगे सिर्फ गला दिया हुआ है एंड स्लीव्स के ऊपर तीन जो टेसल्स लगे हुए हैं वो हैं, और पीछे कुछ भी नहीं है। एंड जो इसका शरारा है इसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था, अगर इसके साथ दुपट्टा होता तो और भी अच्छी बात होती। इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 697 पड़ा है, ऑलमोस्ट 700 का आप समझ सकते हैं। तो 700 में दुपट्टा जो है इसके साथ आना जो है चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। सेट आप आराम से ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं आप, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा आपको। इसकी स्टिचिंग वगैरह एंड इसका जो काम है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको शरारा शो कर रही हूँ, इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, इसका घेरा देख सकते हैं, घेरे में भी काफ़ी अच्छा खासा कपड़ा यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेट है, एंड इसमें नीचे की तरफ आप घेरा देख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा है, एक पैचे में आपको घेरा मिल रहा है एंड यहाँ पे इलास्टिक एंड पीछे की तरफ का भी आप स्टफ देख सकते हैं जो बिल्कुल भी वेयर करने पे आपको इरिटेट नहीं करेगा। प्राइस इसका 697 रुपीज़ पड़ा है, बट इसमें अलग अलग सेलर जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो अलग अलग प्राइस भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड कभी कभी ये 600 में भी मिल जाता है, कभी कभी 700 से अबव हो जाता है, तो वो आपको चेक करके लेना है। बट आपको रिव्यूज़ ज़रूर देखने हैं, जिस सेलर के रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा मतलब अच्छी रेटिंग हो, उन्हीं से आप बाय करें। क्योंकि मैंने और रिव्यूज़ ऐसे भी देखे हैं जिनको मतलब जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अलग ही रिसीव हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फूल गहना का ड्रेस है, इसका ब्रांड का नेम है। तो सिंपली अगर आपको ये ना भी दिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे ही मीशो पे अपलोड करेंगे तो आपके सामने ये ड्रेस ओपन होके आ जाएगा। इस ड्रेस की जितनी तारीफ़ मैं करूं उतनी कम है। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सेल में काफ़ी सारे साइज़ में अवेलेबल हैं, एंड इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, बट इतना ज़्यादा अभी भड़कीला नहीं है कि आपको सामने से देखने पर अच्छा ना लगे। ऑफ कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, स्पेशली इसका जो बॉर्डर है काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड इसके साथ सिर्फ आपको दुपट्टा मिलता है, लेगी नहीं मिलती है, ना ही कोई प्लाजो वगैरह है। इसका जो प्राइस है 520 रुपीज़ है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड प्योर कॉटन है। यहाँ पे आप दुपट्टा भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका दुपट्टा है। एंड आगे की तरफ आपको इस तरह से 3 बटन्स का अटैचमेंट मिल रहा है एंड सिंपली एक ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि समर में आपको जितने कंफर्टेबल क्लोथिंग आइटम होते हैं उतने ही ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, आप इसको वेयर करके कहीं भी इजिली जा सकते हैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली, क्योंकि इसका जो क्लोथिंग मटेरियल है वो बिल्कुल प्योर कॉटन है। बहुत ही प्यारा सेट है, प्राइस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड इन सेलर के जो है ना
और भी ज़्यादा क्लोथिंग आइटम मैंने देखे हैं, कुछ ऑर्डर करे हैं वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। तो स्लीव बिल्कुल फुल नहीं है, हाफ तक आने वाली हैं, बट बिल्कुल कम्फर्टेबल रहेगी आपको। इसका प्रिंट एंड इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सारी ड्रेसेस के जो भी कोड रहेंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे शरारा सेट से ज़्यादा ये वाला ड्रेस पसंद आया है। इसका प्राइस भी 500 है एंड 520 रुपीज़ है, बट उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी, इसका कपड़ा, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मुझे पसंद आया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो शरारा सेट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब लेने के बाद बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। कोई भी क्लोथिंग आइटम आप ले सकते हो, बट उसका रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि मीशो पे इस टाइम पे जो है ना वो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका यहाँ पे दुपट्टा आप देख सकते हैं 2 से 2.5 मीटर तक मिल जाएगा। बीच में आपको इस तरह से बूटे मिल जाएंगे जो कि ओढ़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कपड़ा है वो कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड रहने वाला है। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर करा था ये एक अनस्टिच सूट, ये बनारसी सूट है, इसके साथ भी दुपट्टा अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने ऑर्डर करा था 2 से 3 कलर में, बट वो मुझे रिसीव 2 हो गए थे एंड एक मेरा जो है वो स्टिच होने के लिए गया है। जैसे ही वो आएगा तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट मीशो हॉल शेयर करूँगी, उसमें दिखाऊँगी। तो इस तरह से मुझे डिज़ाइन अलग रिसीव हुआ है, एक स्क्रीनशॉट भी मैं ऐड कर दूँगी, तो वहाँ पर आप इसका प्राइस एंड इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो नीचे की तरफ आप लाइनिंग भी अटैच करवा सकते हैं। तो 565 रुपीज़ में मुझे ये सिर्फ दुपट्टा इसमें अवेलेबल नहीं है, हाँ सिर्फ प्लाजो का एंड कुर्ती का कपड़ा मिला है। कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये है प्लाजो का कपड़ा, ये 2 से 2.5 मीटर तक का आपको मिल जाएगा। इतना कपड़ा इसमें अवेलेबल है कि आपका एक सूट अच्छा पार्टी वेयर बन सकता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अनस्टिच सूट भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ के साथ अवेलेबल हैं। स्टिच सूट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद मैंने ऑर्डर करा था यहाँ पे ये एक कुर्ती जो कि डेली वेयर के लिए है, और ये जो क्लोथिंग मटेरियल है वो है खादी ब्लेंडेड कॉटन एंड इसका जो प्राइस है 257 है, बट इसको मैंने 200 में बाय किया था क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। डेली वेयर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। एंड इसको मैंने वेयर किया है अपने एक पुराने प्लाजो के साथ, आप अगर चाहें तो जीन्स या लेगिंग्स के साथ भी इसको वेयर कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक वूट के जो है ना पूरे कुर्ती पे बटन का अटैचमेंट मिल जाएगा। आपको इसमें फुल नहीं मिलती, हाफ़ मिलती हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग के साथ आता है। इसको मैंने अल्टर कराया है, मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा था इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फिटिंग करवाई है, उसके बाद पहना हुआ ये कुछ इस तरह से लग रहा है। आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बट ब्लैक कलर एंड जो रेड कलर है उसका मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि उसके जो कलर हैं वो उतरने लगे थे 2 से 3 वॉश के बाद। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वाइट के साथ डेफिनेटली जा सकते हो क्योंकि इसका कोई रंग नहीं निकलने वाला। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर करी थी ये एक सेपरेट एंड लेगिंग्स है ये, और इसको मैंने 200 में ऑर्डर करा था और ये मैंने 3 से 4 ऑर्डर करी थी। तो इसका अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा। पर्टिकुलर 2 से 3 ही कलर चाहिए थे, दैट्स व्हाई मैंने इसको अलग अलग ऑर्डर करा है। अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्लस साइज़ पहनते हैं वो भी इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुई है, स्क्रीनशॉट एक मैं ऐड कर दूँगी। मैंने ऑर्डर करी थी वो फ्रॉक और मुझे ये रिसीव हुई है, तो मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं हुआ कि बिकॉज़ ये भी काफ़ी अच्छी है एंड इसका भी मैंने आपको ट्राई ऑन हॉल दिखाया है। इसकी रिक्वेस्ट मैंने रिटर्न की रिप्लेसमेंट की डाली हुई है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको रख लिया है, वापस नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी मिरर वर्क ऊपर की तरफ दिया हुआ है। मैंने जो ऑर्डर करी थी वो बिल्कुल ही सिंपल सी ऑर्डर करी थी, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हाई लो फ्रॉक है उस तरह से है, बट इसका कपड़ा जो है वो रियॉन है, मतलब बिल्कुल इरीटेट नहीं कर रहा है, बट मैंने ऑर्डर कुछ और करा था और मुझे रिसीव कुछ और हुआ है। प्रोडक्ट बाय करते हैं चाहे वो क्लोथिंग आइटम हो या कुछ और भी हो तो उसका रिव्यूज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही ऑर्डर करें क्योंकि मीशो पे इस टाइम पे फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं एंड मुझे इस बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्या ऑर्डर करा और मुझे क्या मिला है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा था 525 रुपीज़ में, बट फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि कुछ डैमेज प्रोडक्ट रिसीव मुझे नहीं हुआ एंड कुछ भी मिसिंग नहीं था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मीशो से आप अपना खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सिंपली मैंने मीशो ऐप को ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपली आप कोई भी कैटेगरी पिक कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पिक कर सकते हो, तो उसका आपको पूरी डिटेल्स लेनी होंगी अपने कस्टमर के साथ। वो आप चाहे इंस्टा पे लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पे लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे लीजिए,
तो उसके बाद आपको पिक करना होगा कोई भी प्रोडक्ट जो आपने पसंद किया है, जो आपके कस्टमर ने सॉरी पसंद किया है। तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट के स्टेटस लगाना रहते हैं एंड सेंड करना रहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो इंस्टाग्राम पे आपको खुद प्रोडक्ट सेंड करेंगे सेलर, एंड व्हाट्सएप पे अगर आप करते हो तो आप डेली काफ़ी ज़्यादा स्टेटस लगा सकते हो। सपोज़ मान लीजिए आपके कस्टमर ने ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको चूज़ करके बताया है, तो इसमें आपको इसकी डिटेल्स वगैरह उनसे लेनी होंगी, जो भी उनका साइज़ हो, जो भी उनका कलर उनको पसंद हो, तो आपको वो यहाँ पर बहुत ही ध्यान सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगी आगे जाके। तो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करने लगेंगे, तो यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप COD भी अवेलेबल है, एंड अगर आप GPay से करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% या 20% का कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है मेन पार्ट, यहाँ पे आप अपना खुद का मार्जिन ऐड कर सकते हैं, 20, 50, 100 जो भी हो। सैंपल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके दिखा रही हूँ। इसका जो प्राइस है 287 था और इसको मैंने कर दिया 450 रुपीज़। मार्जिन को ऐड करने के बाद जो भी आपके कस्टमर का एड्रेस रहेगा, अगर आप अपने एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो आप उसमें अपना एड्रेस डालें, एंड आपका जो कस्टमर का एड्रेस होगा वो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो इस तरह से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एंड वापस आने के बाद आप यहाँ पे अपने ऑर्डर डिलीवरी की डेट भी चेक कर सकते हैं। डिलीवरी डेट रहती है, जैसे ही आपके कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हो जाएंगे, आपका जो मार्जिन है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिल करके रखनी है, जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ऑनर का जो नेम है वो सब कुछ आपको फिल करके रखना होता है। तो जैसे ही आपका जो मार्जिन होगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दी वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं भी आती है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे दोबारा से भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीशो हॉल लेके आप लोगों के साथ जल्दी, क्योंकि कुछ ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। मीशो हॉल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।